हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आरओ का एक और मॉडल पेपर करेंगे, मॉडल पेपर नंबर 5, वही सुपर फास्ट सीरीज है। टोटल 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे हम, मात्र 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और 60 राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, प्लस आपके नगर पालिका वाला पार्ट है और करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने कवर किए। ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है। तो पूरा वीडियो देखिए और जो भी आपका स्कोर रहता है, जितने भी आप सही कर सकते हैं कमेंट करके बता देना। और पीडीएफ आपको पता है कहाँ से लेनी है, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगी जिसका लिंक है प्रहला सारण सर के नाम से, राइट। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो करें शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि रामसनी संप्रदाय का चौथा रामद्वारा कहाँ पर है। देखो, रामसनी संप्रदाय में रामद्वारा किसे कहते हैं, जो गुरु का जहाँ पर चित्र रखा होता है ना, वो रामद्वारा कहलाता है। टोटल 4 रामद्वारे हैं। पहला मैन है शाहपुरा में, जो कि भीलवाड़ा में है, आपको याद है। फिर सीतल बीकानेर में, सीतल में आता है, बीकानेर में रेन नागौर में आता है, और फिर खेड़पा जोधपुर में है। तो 4 नंबर हो जाएगा, चौथा रामद्वारा जो है खेड़पा में है। ये पोकरण नहीं है, याद रखना। एक रेन है जो कि नागौर में है, और सीतल बीकानेर में है, ठीक है, और खेड़पा है वो जोधपुर में है। ओके, द्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है। द्रुपद गायकी के लिए डागर घराना प्रसिद्ध है राजस्थान में, एक आपका सही है। और किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं जाम्बोजी को, जिन्होंने विश्नोई संप्रदाय की नींव रखी थी। तारकसी के जेवर के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तारकसी के जेवर यानी चांदी पर जो मीनाकारी की जाती है, नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। स्वर्ण यानी सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थर जड़ने की जो कला होती है, उस कला को क्या कहते हैं, तो कुंदन कला कहलाती है, डी आपका सही है। पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उनमें कलात्मक नकाशी करना का जो काम है, यह जो कला कहलाती है। तो पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके कलात्मक नकाशी करना, चित्रकारी करना, मुरादाबादी का काम कहलाता है, एक सही है। सहजोबाई के गुरु कौन थे। सहजोबाई और दयाबाई दोनों के गुरु चरणदासी से, चरणदासी संप्रदाय की जिन्होंने नींव रखी थी। नादिर शाह के आक्रमण की जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। जोधपुर में महामंदिर है, वो किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है, तो ये नाथ संप्रदाय की है। और नाथ संप्रदाय में भी कहें तो मान नाथी पंथ की है, मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। मलीर प्रिंट का संबंध कहाँ से, मलीर प्रिंट और एक अजरक प्रिंट दोनों ही कहाँ पर है, बाड़मेर में है। सांगानेरी और बगरू प्रिंट जयपुर में आती है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, तो बाटुड़ा का कुआ कहलाता है, गुलाब सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, बी है वो आपका सही है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर रखा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र सिटी प्लेस में कौन से, जयपुर वाले में, एक सही है। मुगल यूरोप और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत मेहमान नवाजी के लिए बना हुआ मुबारक महल कहाँ पर है, तो मेहमान नवाजी का मुबारक महल है वो तो जयपुर में है। एक टोंक में भी है जो ईद पर ऊँट की कुर्बानी देने के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर भी मुबारक महल है। मोटे तौर पर समझे तो 2 है मुबारक महल राजस्थान में, याद रखना है। भारत का मोक्ष उसके कुटीर धंधों में निहित है, ये कहा किसने था कि भारत का मोक्ष है वो कुटीर धंधों में है, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, डी आपका सही है। जयपुर के ब्लू पोटरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई थी। ब्लू पोटरी जयपुर की प्रसिद्ध है, मानसी के टाइम पर आई थी, और कृपाल सिंह शेखावत जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। सीकर से थे और उन्होंने 25 रंगों का यूज़ किया था, और एक नई शैली भी जात की थी जिन्हें हम कहते हैं कृपाल शैली के नाम से जानते हैं। अगले दिन में इसे गाली गीत किसे कहते हैं, तो सीटने जो है गाली गीत, हंसी मजाक का गीत कहलाता है, 4 आपका सही है। कौन सा शहर है राजस्थान का जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तलवारें राजस्थान में सिरोही की प्रसिद्ध है। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1889 में कहाँ पर हुई थी, ब्यावर में, अजमेर में हुई थी, सेठ दामोदर दास जी के द्वारा। राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ऊन मंडी कहाँ पर है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी राजस्थान में कहाँ पर बनी हुई है, बीकानेर में, एक सही है। राजस्थान के किस स्थान पर आधारित औद्योगिक विकास की विपुल संभावनाएं विद्यमान है, तो राजस्थान में जो खनिज पर आधारित उद्योग है उनकी संभावनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा, बॉल बियरिंग बनाने वाली नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये राजस्थान में है कहाँ पर, तो राजस्थान में ये कहाँ पर बनी हुई है, जयपुर में बनी हुई है, बी आपका सही है। कौन सा तीर्थ स्थल ऐसा है जो वागड़ का प्रयाग कहलाता है, या वागड़ का कुंभ कहते हैं, या आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहलाता है, तो बणेश्वर मेला, जो कि नवा टापरा डूंगरपुर में पड़ता है माघ पूर्णिमा को। राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ पर है, जो गैस पर आधारित है वो गड़ेपान में, और गड़ेपान कहाँ पर है, कोटा में है, तो एक सही है। गरासिया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है बाकरपट्टा। अच्छा, बाकरपट्टा है कहाँ पर, सिरोही वाले क्षेत्र में, और सिरोही एरिया है जहाँ पर गरासिया जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है। राजस्थान में पंचायत मंदिरों की शैली में सर्वप्रथम मंदिर कौन सा है, तो पंचायतन शैली में पहला मंदिर बना हुआ है हरिहर मंदिर, कहाँ पर है ये, ओसिया जोधपुर में बना हुआ है, 4 आपका सही है। ओके, नवजात शिशु के नाल काटने की एक प्रथा होती है जिसको कहते हैं अनाला भोरभू, एक नाम साथ में याद रखना,
कि अनाला भोरबू किसे कहते हैं, शिशु के नाल काटने से संबंधित है। लेकिन ये कौन सी जनजाति में है, तो ये ग्रासिया जनजाति की प्रथा है। ग्रासिया जनजाति एक सही है। हिंदुस्तान मसीह टूर्स जो कि अजमेर में है, इसकी स्थापना है वो किसके सहयोग से हुई थी, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। डी आपका सही है। चौरासिया पंचायत का संबंध है कौन सी जनजाति से, सैरिया जनजाति। और सैरिया जनजाति राजस्थान निवास करते हैं, बारा जिले में ज़्यादा। राजस्थान का मैनचेस्टर, अबरक नगरी, माइका सिटी, टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं, वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। एक आपका सही है। राजस्थानी रामायण है सीताराम चौपाई, इसके रचयिता कौन थे, तो राजस्थानी रामायण लिखी थी समय सुंदर जी ने। एक आपका सही आंसर है। चलिए अगला है कि ग्रासिया जनजाति के लोग हैं वो किस पक्षी के दर्शन शुभ मानते हैं, तो सफेद पक्षी को शुभ मानते हैं। देखो मोर उनके लिए पवित्र है, लेकिन सफेद पक्षी के दर्शन है वो शुभ माने जाते हैं। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है, तो पहला विजय स्तंभ बयाना में समुद्रगुप्त के टाइम का है। और मैन वाला विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में आता है। प्रसिद्ध धारी संस्कार का संबंध है वो कौन सी जनजाति से, तो सहरिया जनजाति से। बी आपका सही है। ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा है, जो ई पेशी से जुड़ा था जोधपुर, जोधपुर यानी। एक आपका सही है। और अंजनी माता का मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए एकमात्र पूरे भारत की मूर्ति है। तो अंजनी माता का मंदिर है कहाँ पर, करौली में है। और एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ पर हनुमान जी है वो क्या कर रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं। निमाड़ी और रागड़ी बोली है वो किस बोली की उपबोली है, तो मालवी की उपबोली है। और मालवी बोली वैसे मालव क्षेत्र एमपी वाली एरिया की, राजस्थान प्रतापगढ़ झालावाड़ कोटा वाले एरिया में बोलते हैं। सही सम्मिलित करना है, चित्तौड़गढ़ का नाम खेराबाद है, नहीं खेराबाद नहीं, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद है। ठीक है, खिजराबाद है। खेराबाद तो शिवाना दुर्ग का है, बाड़मेर वाले का। जालोर का जलालाबाद है, तिमनगढ़ का इस्लामाबाद है, और बूंदी का फुरुखाबाद सही है। तो गलत कौन सा है, पहला गलत है। राजस्थान में कौन सी जनजाति कभी भीख नहीं मांगती, तो सहरिया जनजाति जो है वो कभी भी भीख नहीं मांगती है। राइट आंसर आपका बी है। किस जनजाति के लोग जो हैं कृषि करते हैं, हारी बावरी यानी सामूहिक कृषि होती है जो हारी बावरी कहलाती है, और ये ग्रासिया जनजाति में होती है। नागलापीठ जो किस संप्रदाय की आती है, नागलापीठ है लालदासी संप्रदाय की, लालदासी संप्रदाय यानी। एक सही है। सूची एक और सूची दो से मिलान करना है। द्वारकाधीशी, द्वारकाधीशी कांकरोली मंदिर बना हुआ है, चार आना चाहिए। सरनाथ जी का मंदिर नाद्वारा में है तो दो आना चाहिए। और मथुराधीश का मंदिर जो है कोटा में है, फिर एक कर दीजिए। और गोविंद जी का मंदिर जयपुर में है तो तीन कर दीजिए, यानी 4-2-1-3, 4-2-1-3 पहला सही है। संत जाम्बोजी का जन्म स्थान बताना है, पीपासर है। पीपासर कहाँ पर है, नागौर में है, तो उसी आपका सही है। इन्हें ही हम पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। वह कौन सा जिला है जो अपने रत्नों की कटाई और पॉलिशिंग काम के लिए प्रसिद्ध है, तो रत्नों की कटाई के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। एक सही है। राजस्थान में पहले राजनीति इन्फॉर्मेशन कियोस्क का उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया था, तो क्या हो जाएगा, नायला में किया गया था, यानी डी आपका सही है। किस शासक के शासनकाल में पिछोला जेल का निर्माण हुआ था, पिछोला जेल उदयपुर में राणा लाखा के टाइम पर बनी थी, एक छत्रमल नामक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान में शराब उत्पादन की वजह से राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो राजस्थान का स्कॉटलैंड जो है वो कहलाता है अलवर। एक सही है। राजस्थान की पहली चीनी मिल कौन सी थी, तो पहली चीनी मिल मिली थी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, जो भोपाल सागर में थी, भोपाल सागर है चित्तौड़गढ़ में। एक सही है। राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी, जैसलमेर की लगती है। राजस्थान का सॉल्ट म्यूजियम कहाँ पर है, तो सांभर झील के किनारे पर, सॉल्ट म्यूजियम सांभर झील जो कि जयपुर में है। हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री जिसमें शराब की बोतलें बनाई जाती है, तो ये हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री राजस्थान में है कहाँ पर, धौलपुर में है। कांच उद्योग के लिए धौलपुर ही प्रसिद्ध है राजस्थान में। इनमें से कौन सा केंद्र है, केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है, तो आसान सा है, कौन सा नहीं है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम नहीं है, बाकी तो केंद्र सरकार के हैं। राजस्थान का पहला गाँव कौन सा है जहाँ पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी, साइबर कियोस्क की सबसे पहले स्थापना हुई थी कालाडेरा में, यानी डी आपका सही है। और राजस्थान में केंद्रीय सरकार के द्वारा संचालित कारखाना बताने, जो केंद्र सरकार के द्वारा है, तो केंद्र सरकार के द्वारा इनमें से कौन सा आता है, ठीक है। राजस्थान में केंद्रीय सरकार के द्वारा संचालित कौन सा आता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि खेतरी में है, सी सही है। इनमें से कौन सा केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम नहीं, केंद्र सरकार का कौन सा नहीं है, पहला ही नहीं है, गंगानगर स्क्वायर मिल्स, ये राज्य स्तर पर है, केंद्र सरकार का नहीं है। राजस्थान वनस्पति घी का जो पहला कारखाना लगा था 1964 में कहाँ पर लगा था, भीलवाड़ा में, 1964 में भीलवाड़ा में पहला लगा था। वर्तमान में सर्वाधिक है वो जयपुर में है। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में, 1955 डी सही है। और राजस्थान का सबसे कम भूभाग किसका है, तो सबसे कम भूभाग है पहाड़ी भूभाग, राजस्थान का सबसे कम है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, डीडवाना कहाँ पर है, नागौर में। और राजस्थान में सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ पर है, सोडियम सल्फेट का कारखाना है वो डीडवाना, नागौर में है।
अगला है कि केशरायपाटन चीनी मिल जो है किस क्षेत्र की है। केशरायपाटन है यह राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र की है। मेवाड़ वाली है वो निजी क्षेत्र की आ जाती है, सार्वजनिक वाली है गंगानगर वाली है, और सहकारी क्षेत्र वाली केशरायपाटन वाली आती है। राजस्थान में सबसे पहले 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी कहाँ पर घोषित किया गया था, हाड़ौती में, और हाड़ौती में सबसे पहले कोटा में, यानी एक सही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 206 में क्या है, नगर पालिका अधिनियम धारा 206 जो है यह है कि सहक्रम जो है किस प्रकार किया जाना है, डी आपका सही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी वास्तुविद या अभियंता के द्वारा हस्ताक्षरित या प्रमाणित नक्शा उपबंधों से असंगत हो तो वास्तुविद या अभियंता पर निम्न कार्रवाई होगी। अगर नक्शा जो है उपबंधों से असंगत हो, अगर सही नहीं हो, तो या तो ये हो सकता है कि उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, या ये कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें, या फिर ये भी हो सकता है कि एक दो महीने के जो है कारावास कर दिया जाए, या 5 से 10 हज़ार का जो है जुर्माना लगा दिया जाए। तो सारी चीज़ें हो सकती है, डी आपका सही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार परियोजना घोषणा की तारीख से कितने दिन के भीतर नगर पालिका प्रारूप तैयार करेगी। परियोजना घोषणा होने के बाद में जो है 1 साल में यानी 12 महीने में जो है परियोजना प्रारूप है वो तैयार हो जाना चाहिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 106 के अनुसार नगर पालिका की न्यूनतम कितनी ऊंचाई से अधिक वाले आवासीय भवन पर विकास पर भार लगा सकते हैं, यानी 106 की अकॉर्डिंग है, लेकिन ऊंचाई कितनी, 14 मीटर से ज़्यादा ऊंचे जो है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में उपभोक्ता प्रभार करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है, और ये 104 में 104B सही है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 77 के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिश का क्रियान्वयन जो किसके द्वारा किया जाएगा, तो राज्य वित्त आयोग जो सिफारिश करेगा कौन करेगा कार्य, राज्य सरकार, यानी डी आपका सही है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 में क्या है भी, धारा 87 का संबंध बजट से है, मोस्ट इंपोर्टेंट होने पड़ा भी था बजट प्राकलन से, यानी बी आपका सही है। भूमि का अर्जन अधिनियम जो है वो कब बनाया गया था जो नगर पालिका में भी लागू है, तो बना कब था, 1894 में, ठीक है 1894 में, एक सही है। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा ऐसे सदस्यों के अधिकार और सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है, सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार है 52 में, यानी सी सही है। नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत समिति के द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प का पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा, तो समिति के द्वारा जो प्रत्येक संकल्प पारित होगा पुनरीक्षण जो है वो नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा, एक सही है। नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है, 13, और नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत हटाए गए सदस्य है वो अयोग्य कब तक होंगे, जिन सदस्यों को हटाया गया है वो 6 वर्ष तक जो है वो निर्वाचन के अपात्र होंगे, कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक, और कौन सी धारा में है, 39 में, 39 में। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 में वर्णित पूर्ण दिवस में क्या क्या शामिल करते हैं, पूर्ण दिवस में पूर्ण सप्ताह आ जाता है, रविवार और अन्य विकास दिवस, यानी डी सही है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 के अनुसार जीव चिकित्सा अवशिष्ट में क्या क्या शामिल होते हैं, तो सारे ही होते हैं, मानव शारीरिक अवशिष्ट है, पशु वाला है, या सूक्ष्म जीव विज्ञान या जीव प्रौद्योगिकी अवशिष्ट है, सारे शामिल करेंगे, डी सही है। राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम जो है कब बना था, ये बना था 1954 में, डी सही है। 2 से अधिक संतान होने पर व्यक्ति है वो शहरी निकायों के चुनाव नहीं लड़ सकता, ये अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में है, तो धारा 24 में है। और नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाएंगे, जिला नियोजन समिति होती है उसका अध्यक्ष जिला प्रमुख होते हैं, जिला प्रमुख, यानी सी सही है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत हटाए गए सदस्य है वो कितने समावधि के लिए पुनर्निर्वाचित के पात्र नहीं होंगे, तभी पड़ा था 6 वर्ष तक जो है वो अपात्र रहते हैं। नगर पालिका अधिनियम 2009 में वार्ड समिति के गठन के लिए नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। नगर पालिका यानी सामान का क्रय और अनुबंध नियम 1974 जो था ये लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 1975 में। राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय और अनुबंध अधिनियम 1974 के अनुसार समिति निविदा प्रणाली कितने मूल्य से कम के आदेश के लिए अंगीकृत की जाए, कितना, जो 10,000 से कम है, ठीक है, जो 10,000 से कम है, यानी डी सही है। अच्छा, निविदा के द्वारा सामान का क्रय और कार्य का निष्पादन राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के किस नियम के अंतर्गत आता है, तो नियम 3 के अंतर्गत आता है। नगर पालिका अधिनियम 1974 के नियम 17 के अनुसार निविदा के प्रारूप किसके अनुसार निर्धारित किए जाएंगे, तो कौन करता है, तो सामान्य वित्त और लेखा नियम, सामान्य वित्त और लेखा नियम, यानी एक सही है। कोई यदि कोई निविदा अधिनियम की अपेक्षाओं का पालन अगर नहीं करता है उसको निरस्त करने का अधिकार है वो नगर पालिका अधिनियम 1974 के अकॉर्डिंग किस में है, अगर निरस्त करना हो तो ये नियम 16 है,
इसमें नियम है 16 के अकॉर्डिंग। ऐसा अनुमानों का अनुमोदन और बिलों का तकनीकी प्रशिक्षण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1974 के किस नियम में आता है? तो ये नियम 15 में आता है, यानी डी सही है। नगर पालिका अधिनियम 1974 के नियम 14 के अनुसार नगर पालिका बोर्ड के किस अधिकारी को 25 लाख रुपये तक की वित्तीय स्वीकृति देने की प्राप्त करने का अधिकार है? तो ये सभापति को ही अधिकार होता है, यानी एक आपका सही है। राजस्थान में राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना जो है कब लागू हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 2014 को, सी सही है। हृदय योजना में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? हृदय योजना में राजस्थान का अजमेर शामिल हुआ है, एक आपका सही है। अमृत का पूर्ण रूप बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो कौन सा सही लग रहा है आपको? अटल मिशन फॉर इसमें, चलो ये तो कट हो गया, अटल मिशन फॉर रेजुवेशनल भी इसी तीन में, ये फिर से कटो, रेजुवेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका एकदम सही है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता के पास कौन सा दस्तावेज होना जरूरी है? तो इसके लिए आपका जन आधार कार्ड होना चाहिए, बी सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का संबंध किससे? प्रधानमंत्री आवास योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, एक आपका सही है। इंदिरा रसोई योजना के संबंध में सही कथन बताना है कि सही कौन सा है? पहला है कि राज्य सरकार ने पहले 12 में और वर्तमान में 17 का अनुदान दे रही है, तो सही है। भोजन प्रति थाली जो है 250 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम सब्जी और अचार देने का प्रावधान है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 18 दिसंबर 2022 को 512 इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया था, ये भी सही है, सारी चीज़ें सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ कब किया था? 1 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण राशि में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी आती है? तो 60-40 की है, 60-40 की, बी सही है। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी? तो ये की थी जल शक्ति मंत्रालय और स्वच्छता मंत्रालय ने, डी सही है। हाल ही में जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में युद्ध अभ्यास यानी बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण संपन्न हुआ था। इस अभ्यास में भारत और किस देश की सेना के बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में, बोल्ड कुरुक्षेत्र 13वां संस्करण कहां पर? जोधपुर में। हाल ही में पूर्व राजस्थान नहर योजना के तहत 14,200 करोड़ रुपए से वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई थी राजस्थान नहर योजना में। अब इस योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल होंगे? 13 जिलों को शामिल किया जाएगा, सी सही है। राजस्थान मिलिटस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कौन से शहर में हुआ था? जयपुर में हुआ था। और मानव के विहार का अध्ययन करने के लिए लेब जो बनी है वो राजस्थान के कौन से शहर में? ठीक है, ये विरे लेब का उद्घाटन जो राजस्थान में कहां पर है? जयपुर में, यानी बी आपका सही है। और हाल ही में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रति जोड़े का अनुदान राशि जो 18,000 रुपये दी जाती थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25,000 कर दिया, यानी सी है वो आपका सही है। तो ये भी कुछ ज़्यादा ही सुपरफास्ट सीरीज हमारी हो गई है, मात्र आपको 18 मिनट के टाइम में ही आपके 100 क्वेश्चन हो गए, लेकिन जो भी आपका स्कोर रहा हो वैसे रिवीजन करवाने के लिए थी कि आप फटाफट बात हो जाए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो कर दीजिए एक लाइक शेयर और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।